हेलो, आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। रानू मंडल सोशल मीडिया स्टार से पारिवारिक कलह की शिकार हो चुकी हैं। जब से इंटरव्यूज का दौर शुरू हुआ है, हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं। पहले रानू ने बताया कि वो एक्टर फिरोज खान के घर कुक का काम करती थी। अब उनकी बेटी का इंटरव्यू आया है, नाम है एलिजाबेथ साथी रॉय। उनका कहना है कि उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी माँ रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी। साथ ही एलिजाबेथ का ये भी मानना है कि उनकी जो माँ है रानू, वो मानसिक रूप से बीमार है। आइए एनएस से बात करते हुए एलिजाबेथ ने बताया कि मुझे ये बात पता नहीं थी कि मेरी माँ रेलवे स्टेशन पर गाना गाती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं माँ से रेगुलरली नहीं मिल पाती थी। मैं कुछ 2 महीने पहले धर्मताल में थी और वहाँ मैंने उन्हें बस स्टैंड पर बैठे देखा। मैंने उन्हें 200 रुपये दिए और जल्दी से घर जाने के लिए कहा। जब से एलिजाबेथ मीडिया के सामने आई है, तब से जनता उन्हें अपनी माँ का ध्यान नहीं रखने के लिए कोस रही है। इस बारे में बात करते हुए वो बताती हैं, जब भी मुझसे बन पाता है, मैं अपने एक जानने वाले के अकाउंट में उनके लिए 500 रुपये भेज देती हूँ। मैं खुद तलाकशुदा हूँ और सूरी में रहती हूँ। वहीं पर मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है। मैं सिंगल मदर हूँ और मुझे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना पड़ता है। मैं खुद संघर्ष कर रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि माँ का ध्यान रख सकूँ। मैं उन्हें मेरे साथ रहने के लिए कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती और इतने सब के बावजूद लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं। एलिजाबेथ ने रानू की ज़िंदगी के कुछ और राज खोलते हुए बताया कि उनकी मां ने 2 शादियां की थी और इन शादियों से उन्हें 4 बच्चे हैं। रानू के पहले पति की कुछ साल पहले डेथ हो चुकी है। एलिजाबेथ के मुताबिक रानू के दूसरे पति जिंदा हैं और उनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। ये दोनों संभवतः मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन एलिजाबेथ का उनके सौतेले भाई बहनों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। और वो आगे बताती हैं कि रानू के बाकी 3 बच्चे तो उनकी देखरेख के लिए आगे तक नहीं आए, और जब वो अपनी माँ की मदद करने के लिए सामने आई हैं तो पब्लिक उन पर गुस्सा हो रही है। रानू मंडल का वीडियो रानाघाट स्टेशन पर अतिंद्र चक्रवर्ती ने बनाया था और अब वो रानू के मैनेजर भी हैं, इसलिए रानू की सारी पॉपुलैरिटी का क्रेडिट उन्हीं को दिया जा रहा है। इस बात से नाराज एलिजाबेथ कहती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अतिंद्र और तपन ही मेरी माँ के सगे बच्चे हों। अतिंद्र और तपन ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर मुझे धमकी दी कि अगर मैं अपनी माँ से किसी भी तरह का कनेक्शन रखने की कोशिश करूँगी तो वो मेरे हाथ पैर तोड़वा देंगे। वो लोग मुझे फ़ोन पर भी माँ से बात नहीं करने देते, साथ ही वो माँ के दिमाग में मेरे लिए गंदगी भर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बिल्कुल बेबस महसूस कर रही हूं। दिक्कत यह है कि इस मामले में मैं कोई बड़ा और ठोस कदम भी नहीं उठा सकती, क्योंकि इसका असर मेरी माँ पर पड़ेगा और वो अपने म्यूजिक और रिकॉर्डिंग्स पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। वो पहले ही मानसिक रूप से असंतुलित हैं और अब मीडिया उन्हें और परेशान कर रही है। अमरा, शोबाई, शोइतान क्लब के मेंबर्स तपन और अतिंद्र ही रानू मंडल का ख्याल रख रहे हैं। म्यूजिक कंपनियों के साथ उनकी जो भी डीलिंग्स हुई हैं, ये चीज़ें भी क्लब के लोगों की ही देखरेख में हो रही हैं। इस बात से एलिजाबेथ काफ़ी नाखुश हैं। एलिजाबेथ का कहना है कि ये लोग निस्वार्थ भाव से रानू की सेवा करने का ढोंग कर रहे हैं। उनकी नज़र सिर्फ रानू की कमाई और फेम पर है। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपना सारा काम धाम और परिवार छोड़कर रानू के साथ मुंबई क्यों आए। एलिजाबेथ इसमें जोड़ती हैं कि तपन रानू से उनकी ज़रूरत का सामान लेने के लिए 10,000 रुपये लेकर गए थे, लेकिन जब वो अपनी माँ से मिली तब उनके पास 1-2 नई नाइटी के अलावा ज़रूरत का कोई और सामान नहीं था। ये खबर यही तक। इस पर कोई और अपडेट आती है तो ज़रूर आपको लल्लनटॉप पर मिल जाएगी। फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, बताते रहिए कि आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियोज़। शुक्रिया।